द्वापर युग में जब कंस का अत्याचार एवं अधर्म का पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था, तो भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा एवं कंस का वध करने के लिए स्वयं धरती लोक पर कृष्ण के अवतार में जन्म लेने का निर्णय लिया। कंस मथुरा के राजा उग्रसेन का पुत्र था। वह अपने ही पिता उग्रसेन को राजगद्दी से उतार कर स्वयं को मथुरा का राजा बन गया। कंस की एक बहन भी थी जिसका नाम देवकी था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था और वह देवकी का विवाह अपने ही मित्र यदुवंशी राजा वासुदेव के साथ रचाया। विवाह होने के उपरांत वह जब देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था तो रास्ते में बादल की गर्जना के साथ एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, इसी के गर्भ से जन्मी आठवीं संतान तेरे मौत का कारण बनेगी। यह सुनकर कंस बहुत क्रोधित हुआ और अपनी तलवार निकाल कर देवकी की हत्या करने दौड़ा। तभी वासुदेव ने उसकी भुजाएं पकड़ी और उससे कहा, हे कंस, तुम्हें अपनी ही बहन का वध करने से क्या लाभ होगा जिससे तुम इतना प्रेम करते हो। मैं स्वयं ही तुम्हें देवकी के गर्भ से जन्मी आठवीं संतान सौंप दूंगा। कंस ने वासुदेव की बात मान ली और उसने वासुदेव और देवकी को बंदी बनाकर मथुरा के कारागार में डाल दिया, और जिसके बाद वासुदेव और देवकी की एक एक कर 7 संतानें हुई जिसको कंस ने मार दिया। जब देवकी की आठवीं संतान जन्म लेने वाला था तो कंस ने जेल के पहरेदारों को सख्त कर दिया। उस समय भगवान विष्णु ने अपनी योग माया के साथ वासुदेव और देवकी की आठवीं बच्चे की रक्षा करने के लिए उपाय रचा, और वो समय आ गया जब वासुदेव और देवकी की आठवीं संतान ने जन्म ले लिया। और उसी समय गोकुल के मुखिया नंद बाबा और उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ जो कि एक माया देवी थी। देवकी के पुत्र ने अचानक चतुर्भुज भगवान विष्णु का रूप धारण कर वासुदेव से बोले, हे वासुदेव, मैं पुनः से स्वरूप धारण कर ले रहा हूँ, कृपया आप मुझे गोकुल के नंद बाबा जी के घर छोड़ आओ, वहाँ पर एक जन्मी कन्या को लेकर स्वयं मथुरा आकर पापी कंस को सौंप दो। आप चिंता ना करें, सभी पहरेदार सो जाएंगे और कारागार का फाटक स्वयं खुल जाएगा और माँ यमुना तुम्हें उस पार जाने का मार्ग स्वयं दे देंगी। और यह कहकर भगवान विष्णु ने पुनः शिशु का रूप धारण कर लिया, और तभी वासुदेव उस बालक को एक टोकरी में रख कर निकल पड़े और गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंच गए। वहीं एक कमरे में माता यशोदा सोई हुई थी और उनके बगल कन्या खेल रही थी। वासुदेव ने उस बालक को रख कर उस कन्या को लेकर स्वयं मथुरा चले आए और कारागार के सभी फाटक बंद हो गए। जब सुबह हुई तो कंस को सूचना मिली कि देवकी की आठवीं संतान ने जन्म ले लिया है। वह तुरंत ही देवकी के पास गया और उनके हाथों से उस कन्या को झपट कर शिला पर पटकना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़कर कंस से बोली, हे मूर्ख कंस, तू मुझे मारकर क्या करेगा, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और वही तेरा संहार करेगा।